So now we will discuss some important theorems about the congruence relation. So what does this congruence relation says? Theorem 1 agar hum padhe. Theorem 1 hamari kya kehti hai? This is the theorem 1 that A is congruent to B modulo M. Ye hamare paas given hai. Then A and B leave the same remainder when divided by M and when divided by M and conversely, मतलब इसका कन्वर्स भी हमें प्रूव करना है. लाइक हमें हमारे पास ये गिवन है A इज़ कॉन्ग्रेंट टू B मोडुलो M. इट मीन्स M डिवाइड्स A माइनस B. लेट R1 R2 बी द रिमाइंडर्स व्हेन A एंड B आर डिवाइडेड बाय M. हम ये मान के चल रहे हैं कि R1 R2 हमारे रिमाइंडर हैं, वेयर R1 लाइज बिटवीन 0 और M के बीच में हमारा रिमाइंडर है. सो यहाँ से हम ये इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट दीज रिजल्ट इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी थ्योरम. लाइक जब आपकी जो वैल्यू है ए वन, ठीक है, ए वैल्यू है, जब आप उसको किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लाइक आपने उसे डिवाइड किया एम के साथ और आपका यहाँ पे वैल्यू आई ए वन एंड यू हैव द रिमाइंडर आर वन, सो वी कैन ईजिली गेट ए वन इंटू एम प्लस आर वन, दिस इज़ द ए वैल्यू. सिमिलरली फॉर बी वी कैन ईजिली गेट. Now, where a1 and b1 are integers, putting these value of a and b in equation 1, in the previous equation we will get, just a second, a1 and b1 are integers. So, after putting the values of a and b in equation first, values हमने यहाँ put करी, हमारे पास ये equation आएगी. So, by using this equation, we can easily say that M divides R1 minus R2. So R1 minus R2 is less than M. R1 minus R2 is equal to 0. ठीक है, क्योंकि हमारे M की वैल्यू यहाँ है. So R1 is equal to R2. So we can prove it. Now similarly by using the converse के साथ हम कैसे प्रूव करेंगे. कन्वर्स हमें क्या कहता है कि हमारे पास ये दोनों रिमाइंडर्स इक्वल गिवन हैं. वी हैव टू प्रूव ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम. सो ये दोनों रिलेशंस हमारे पास गिवन हैं. सो एक इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आएगा. एंड बाय यूजिंग दिस, अगर हम ऐसे लिखते हैं ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम, तो इस रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, तो वी कैन ईजिली से दैट ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम. नाउ देयर इज़ अनदर थ्योरम, एन इंटीजर इज़ कॉन्ग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर. सो कोई इंटीजर उसके रिमाइंडर का कॉन्ग्रेंट है. लाइक आर बी द रिमाइंडर obtained on dividing a by m. जब हम a को m से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर r आएगा. तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर. सो यहाँ से a माइनस आर इज इक्वल टू एम क्यू. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन से दैट m डिवाइड्स a माइनस आर, वेयर क्यू इज एन इंटीजर. ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को, a इज इक्वल टू r मोड m. इसका मतलब क्या है, a माइनस आर इज डिवाइडेड बाई m. सो यहाँ पर हमारे पास वही रिलेशन है. So by using this theorem, we can easily say that an integer is always, most of the time, congruent to its remainder. Now, there is another result about the equivalence relations. In the next lecture, we will discuss the congruency of the equivalence relation. So before discussing the congruency of the relation, must keep in mind about the equivalence relations. So equivalence relations are those relations which are reflexive, which are symmetric and which are transitive. We will discuss these three concepts in the next lecture.